नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। 23 अगस्त बुधवार को भारत ने इतिहास रच दिया। इसरो के महत्वाकांक्षी मून मिशन की चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। इसी के साथ चांद के इस हिस्से में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद पर पहुंचने के बाद प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 से जुड़ा एक बड़ा अपडेट 24 अगस्त गुरुवार को सामने आ गया। इसरो ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, से संदेश भेजा है कि रोवर मॉक्स स्ट्रैक निकल चुका है और चांद पर यह चलना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इसरो ने एक और वीडियो जारी करते हुए बताया कि लैंडर इमेजर कैमरे ने टच डाउन से ठीक पहले चंद्रमा की छवि कैसे खींची। आपको बता दें कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, जिनका कुल वजन 1752 किलोग्राम है, इसे चंद्रमा के परिवेश का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा के एक दिन लगभग 14 पृथ्वी दिवस तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोवर के बाहर निकलने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने लैंडर के साथ एक संचार लिंक भी स्थापित कर लिया है। आपको बता दें कि रोवर चंद्रमा की जानकारी जुटाने में लग गया है। इसरो ने 24 अगस्त इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 लैंडर और बेंगलुरु स्थित इसरो के संचार केंद्र मॉक्स स्ट्रैक के बीच संचार लिंक स्थापित हो गया है।